नीट जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक करना आसान नहीं होता। ये आसान नहीं होता कि अपने घर के कंफर्ट जोन को छोड़कर 10-12 घंटे अपने कोचिंग में पढ़ना। ये आसान नहीं होता कि अपने घर को छोड़कर हॉस्टल में जाकर पढ़ाई करना। ये आसान नहीं होता कि हर बार अनसक्सेसफुल होने के बाद अपने पेरेंट्स को समझाना कि इस बार मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। हाँ मेरे दोस्त, ये आसान नहीं होता और ये बात बहुत कड़वी है, पर सच है हमारी सोसाइटी का कि जब तक तुम सक्सेसफुल नहीं होगे तब तक तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देखेगा, पर जिस दिन तुम सक्सेसफुल हो जाओगे वही सोसाइटी तुम्हें सलाम करेगी, वही सोसाइटी तुम्हारे पास आएगी और बोलेगी बहुत मेहनत करता था, हमने देखा है। अगर तुम्हारे आज के स्ट्रगल वाले फेस को देख के चार लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं ना, तो उनको उड़ा लेने दो, क्योंकि तुम्हारी बुराई वही लोग करते हैं जो तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते, और तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश वही लोग करेंगे ना जो तुमसे नीचे हैं। और यकीन मानो, अगर तुम्हें हार्ड वर्क करना आता है तो इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक पाएगी। हाय एवरीवन, दिस इज सुमित गुप्ता, MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट। मैं भी कभी तुम लोगों की तरह एक नीट एस्पिरेंट थी जिसमें बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट हुआ करता था। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि मैं नीट क्रैक कर भी पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं हर बारी हार्डवर्क करती थी, हर बारी मुझे ऐसा लगता था कि इस बार मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, पर हर बारी मुझे निराशा ही हाथ लगती थी क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं होता था। जब 2018 में मेरे 447 मार्क्स आए थे तब मुझे ऐसा लगा था कि अब बहुत हो गया, अब शायद मुझे गिव अप कर देना चाहिए, पर इनसाइड कहीं ना कहीं ऐसा था कि हाँ, अगर मैं एक साल और मेहनत करूंगी तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे ये पता था कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करे हैं जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है और मुझे क्या क्या सुधारना है। मैं बस अपने आप को बस एक आखिरी चांस देना चाहती थी कि अगर इस बार मैं सिलेक्ट हुई तो हुई, अदरवाइज मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगी और अपने लाइफ में फिर कभी पढ़ाई नहीं करूंगी। बहुत मुश्किल से अपने घर वालों को मनाया कि मुझे एक चांस और चाहिए, एक चांस और दे दो, इस बार मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी। इस साल मैं बस ऑनेस्टली अपना 100% देना चाहती थी और जो भी रिजल्ट होता मुझे वो एक्सेप्ट था। मैंने बिना कुछ सोचे हुए कि मेरा जो पास था उसको सब भूल गई मैं, कि हाँ कितने अटेम्प्ट दिए, मैंने क्या किया, सब भूल गई मैं। बस एक ही चीज याद थी, वो थी मेरे मिस्टेक्स जो मैंने किए थे, और वो इस वजह से याद थी क्योंकि जिस दिन मैं प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करने वाली थी उसकी एक रात पहले मैंने एक अपनी लिस्ट बनाई थी जिसमें मैंने वो सारे मिस्टेक्स लिखे थे जो मैंने अपने उस अटेम्प्ट में किए थे, और मैंने बस ब्लाइंड होके कि बाकी जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाओ, बस यही चीजें याद रखनी है, और मैंने पूरे साल रिलीजियसली उन चीजों को फॉलो किया। काफी सारे ऐसे फेजेस आए जिसमें मुझे काफी ज्यादा डिफिकल्टी हुई। फॉर एग्जाम्पल, उस लिस्ट में मैंने ये लिखा था कि चाहे कुछ हो जाए मैं कोई भी मॉक टेस्ट नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरा जो लास्ट 2018 में जो सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं मानती हूँ उसका सबसे बड़ा रीजन यही था, मॉक टेस्ट नहीं देना। जिस कोचिंग में मैं जाती थी उस कोचिंग में रेगुलरली टेस्ट होते थे और कई सारे टेस्ट ऐसे होते थे जो मेरे बैच का कोई भी स्टूडेंट नहीं देता था, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो टेस्ट कोई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मैं अकेले बैठ के वो टेस्ट देती थी, क्योंकि मैंने खुद से ये प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ हो जाए मैं कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ूंगी, मैं सारे मॉक टेस्ट दूंगी, क्योंकि मैं अपना 100% देने आई थी बस, और मुझे रिजल्ट से कोई मतलब नहीं था। कई बार ऐसा होता था कि मेरा रिजल्ट बहुत खराब आया है, नीट के जस्ट एक महीने पहले 330 नंबर आए थे मेरे, आई वॉज टोटली ब्रोकन, पर दिल में यही था कि हम बस 100% देने आए हैं, हमें रिजल्ट से मतलब नहीं है, आज के रिजल्ट से मतलब नहीं है, नीट के रिजल्ट से मतलब नहीं है, बट जो करने आए हैं वो करके जाएंगे, बस 100% देने आए हैं दे के जाएंगे। इसी डिटर्मिनेशन के साथ बस मैं आगे बढ़ती रही और कभी भी कोई भी बहाने नहीं बनाए कि आज ये हो गया, इस वजह से पढ़ने नहीं आ पाए, कोई बहाने नहीं। पूरे साल कंटिन्यूसली सुबह से लेकर शाम तक कोचिंग में बैठ के पढ़ाई करती रहती थी। मेरी हेल्थ पर भी इन चीजों का असर हो रहा था, मेरी हेल्थ गिर रही थी, पर लेकिन जो डिटर्मिनेशन था उसके आगे कोई भी चीज मुझे दिख नहीं रही थी। मुझे बस ये था कि मुझे हार्डवर्क करना है, मुझे अपना 100% देना है। उस पूरे साल ना मैंने कोई फैमिली फंक्शन अटेंड किया, ना किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई, इनफैक्ट मेरा कोई दोस्त ही नहीं था। मेरे पास एक स्मार्टफोन हुआ करता था, मैंने उसमें कभी नेट भी नहीं डलवाया। 2018 में जो सबसे बड़ी मिस्टेक मैं ये करती थी कि अगर कोई टॉपिक मैंने पढ़ लिया है तो मुझे ऐसा लगता था कि इस टॉपिक से आए हर क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूंगी। मैं ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करती थी और PYQs तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी। तो अगर तुम लोग ये मिस्टेक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है? तब तक तुम्हारे नीट में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। नीट के PYQ सॉल्व करने के लिए तुम लोग यूज कर सकते हो दिस बुक। दिस बुक इज फिजिक्स वाला, 36 ईयर्स। इसमें तुम्हें प्रीवियस 36 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे।
दिस बुक इज द मोस्ट एक्यूरेट बुक और इस बुक के सारे क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस मल्टीपल प्रूफ रीडिंग के साथ बनाए गए हैं। कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो कि पहले पूछे जाते थे पर लेकिन अब नीट में वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इस बुक में उन सारे क्वेश्चंस को ओमिट कर दिया गया है ताकि आपका टाइम बच सके। इस बुक में आपको सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, प्लस यहाँ पे आंसर की गिवन है और नीचे आपको सारे क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशंस भी मिल जाएंगे। लिंक टू परचेज दिस बुक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट, गो एंड गिव इट अ ट्राई। नीट के एग्जाम में ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, तो अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करोगे सॉल्व ढंग से तब तक तुम्हारा सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। और जिस दिन मैं नीट का एग्जाम देने जा रही थी मेरे मन में बस यही था, एक सेटिस्फेक्शन था कि हाँ इससे अच्छा मैं नहीं कर सकती थी, ये मेरा बेस्ट था, मैंने अपना बेस्ट दे दिया था और मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि इस साल मैं सिलेक्ट होंगी कि नहीं होंगी। मैं बिल्कुल बेफिक्र होकर एग्जामिनेशन हॉल में गई थी और 3 घंटे के बाद जब मैं एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आई बिल्कुल काम मन से, बस मैंने कुछ नहीं सोचा उसके बाद कि मेरे क्या परफॉर्मेंस रहा है और मैं क्या सिलेक्ट हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी, कोई एंजाइटी नहीं, बिल्कुल पीस। क्योंकि जब आप हार्डवर्क करते हो ना ऑनेस्टली, उसके बाद आपको किसी चीज से डर नहीं लगता, आपको ये नहीं लगता कि इस साल मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, कुछ फील नहीं होगा, बस ये होगा सेटिस्फेक्शन है अपने अंदर कि हाँ अपना बेस्ट दे के आए हैं। और उसके बाद जब मैंने आंसर की से अपने आंसर्स मैच किए तो मेरे मार्क्स आ रहे थे 621, जो कि 2019 के टाइम पे एक बहुत बड़ी बात होती थी, उस टाइम पे इतने मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल क्योंकि पेपर के लेवल जो है वो थोड़े आसान हो गए, उसी वजह से बच्चे जो है वो ज्यादा ज्यादा स्कोर कर पा रहे हैं, हमारे टाइम पे पेपर थोड़ा टफ आता था। इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप ऑनेस्टली अपना 100% देते हो तो आपको रिजल्ट से डरने की जरूरत नहीं है, आपका रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा अच्छा होगा। सो बस मेहनत करते रहो, तुम्हें अपने हार्डवर्क का रिजल्ट आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, अगर ना भी मिले तो तुम्हें हार्डवर्क करना आ जाएगा जो कि आज की डेट में बहुत बड़ी बात है, तुम आज नहीं तो कल किसी ना किसी फील्ड में जरूर सक्सेसफुल हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।